एवन हरियाणा देख रहे आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। अंबाला छावनी में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली की, जिसमें भारी भीड़ जुटाकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उनका दर्द भी छलक उठा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरी ही पार्टी में मुझे बेगाना कर दिया है, परंतु कई बार बेगाने लोग अपनों से भी ज्यादा काम कर जाते हैं। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी बंतु कटारिया ने भी जनता से वोटों की अपील की, तो क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। आज तो मैं केवल एक बात आपसे कह रहा था, माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में ही बेगाना बना दिया, परंतु कई बार बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करता था। घर घर जाइए, हर घर में जाइए, जो काम किए हैं लोगों को बताइए, जो मनोहर लाल जी ने किए हैं वो भी बताइए, जो मैंने किए हैं वो भी बताइए, जो मोदी जी ने किया है वो भी बताइए, और घर घर जाके कहो कि हमने 5 साल एक आदमी धूप बरसात में खड़ा होके काम करता रहा, 70 सालों में जो नहीं हुआ उसने वो माला छावनी में करके दिखाया। आज उसने मांग की है, उसने कहा है कि एक एक वोट कमल के फूल को डालकर बंतु कटारिया को भारी मतों से विजयी कराएं। धन्यवाद। 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल पर डालनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब तीसरी बारी शपथ ले, उसमें एक कमल आपका होना चाहिए, आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, आपका समर्थन होना चाहिए। और जब भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक गारंटी लिया है और एक संकल्प लिया है, जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसको सिद्धि में आप सब कार्यकर्ताओं ने बदलना है। मैं तो आपके बीच की हूँ, आम कार्यकर्ता आपकी तरह हूँ, और उसके लिए 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल पर डले। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।